अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों क्या हाल है, सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जी तो दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैंने आज अपने लिए एक सेट लिया है। और क्योंकि मेरे पास पहले जो सेट चल रहा था वो J5 था सैमसंग, और मैंने अपने भाई का सेट उठाया हुआ था, तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मुश्किल होती थी मुझे, क्योंकि सैमसंग के अंदर इतनी मेमोरी नहीं थी, ओल्ड मोबाइल था मेरे पास। तो मैंने अपने लिए आज एक सेट लिया है वीवो Y51S। आज उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आप सब दोस्तों को दिखाऊंगा उसकी अनबॉक्सिंग, और चलते हैं देखते हैं जी वीवो Y51S कैसा मॉडल है और हमारे हाथ में कैसे चलेगा, और आपके पास नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो सारी वीवो Y51S की होंगी। और अभी फिल वक्त मेरा बजट इतना नहीं था, ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज किया है ये सेट, फिर नेक्स्ट टाइम कोई कोशिश करेंगे अगर मेरे हालात अच्छे हो जाते हैं तो कोई अच्छा सा सेट लेंगे। जी तो दोस्तों मैंने सोचा अपना सेट अनबॉक्स करते हैं बाहर चल के खेतों में, और इस वक्त व्यू भी अच्छा आ रहा है बाहर खेतों में, चार पाई पड़ी हुई है, वहाँ चल के रिव्यू करते हैं अपने सेट का, अनबॉक्स करते हैं अपने सेट को, और फिर आप सब दोस्तों को दिखाता हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप दोस्तों को दिखाऊँगा। या मेरे पीछे देख रहे हैं आम, माशाल्लाह से अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं, अभी इन्हें देर है, कुछ दिन अभी देर है। चलें जी सेट की अनबॉक्सिंग करते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देखें वीवो Y51S, देख सकते हैं आप सब, 8 GB रैम और 128 GB रोम के साथ ये सेट है, और इसके साथ मैंने मंगवाया है एक पावर बैंक। आप देख सकते हैं ये पावर बैंक है, ये पावर बैंक 10,000 mAh का है। मुझे पावर बैंक भी चाहिए था, मैंने कहा चलो पावर बैंक भी ले लेते हैं और साथ में एक सेट भी ले लेते हैं। ये जो पावर बैंक आप देख रहे हैं ये 10,000 mAh है, और इसकी प्राइस में मैं आपको बताऊंगा, ये वीवो Y51S 8 GB रैम के साथ 128 GB रोम के साथ। जी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मेरी अनबॉक्सिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप दोस्त कहेंगे पता नहीं ये कैसे अनबॉक्स कर रहा है, चलें मेरी अनबॉक्सिंग इतनी अच्छी नहीं है, चलें जी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने कभी कोई चीज़ अनबॉक्स नहीं की, अगर की भी है तो वीडियो के सामने नहीं की, और फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूं और ये अनबॉक्स कर रहा हूं आप सब दोस्तों को, मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप सब दोस्तों ने मुझे ज़रूर बताना है। और ये सेट मैंने लिया है YouTube वीडियो बनाने के लिए, बाकी मेरे पास सैमसंग का सेट चल रहा था, मुझे ज़रूरत नहीं थी फिल वक्त, लेकिन उसका रोम अच्छा नहीं है इतना, इस वजह से ये सेट मैंने लिया है, और इस उम्मीद पर लिया है कि आप सब दोस्त मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स करेंगे और आप दोस्तों को मैं अच्छी वीडियो दिखाऊँगा, और उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। चलें जी दोस्तों चलते हैं इसकी तरफ। इस टाइम कटर जो मेरी शॉप पर था, कटर उठाना मैं भूल गया था, मैंने कहा चलो छुरी से काम चला लेते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है जी इसका पाउच, और साथ में की, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ इसका ये पाउच और साथ में इसकी की। जी तो दोस्तों ये आ गया शाहकार। जी तो फ्रेंड्स
ये आ गया हमारा शाहकार वीवो 51S। चलिए जी इसे ऑन करते हैं। जितना टाइम ये ऑन होने में लेता है कुछ और देख लेते हैं अगर कुछ है तो। जी इसके साथ एक हैंड्स फ्री, C2 केबल, और जी चार्ज। मैं सोच रहा था शायद मैं कोई गिफ्ट गुफ्ट भी हो, लेकिन सिर्फ सेट के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। अब चलते हैं पावर बैंक की तरफ। जी तो ये आ गया हमारा पावर बैंक। क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। 10,000 mAh है ये। टॉर्च लाइट भी है। दोस्तों इसके जो प्राइस है ना, ये जो पावर बैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ रूमोज कंपनी का है, ये मेड इन चाइना है। इसके प्राइस हैं 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये का है बस, और तो कुछ नहीं है। और ये जो 51S है, ये सेट है जी 38,000 रुपये का। 38,000 रुपये इसके होल सेल रेट हैं, क्योंकि मैं शॉपकीपर हूँ, मुझे कुछ पैसे कम मिला है, लेकिन जो इसका रेट है 38,000 रुपये, ये 38,000 रुपये का ये सेट है। और मैं इसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, और आप मेरी वो वीडियो लाइक कमेंट्स करेंगे, लाइक भी करेंगे कमेंट्स भी करेंगे, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो चलते हैं जी, इसकी ज़ुबान सेलेक्ट करते हैं। ये तो दोस्तों मेरा ये सेट ऑन हो गया है। अब इसमें सिम लगाते हैं और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएंगी वो इसी सेट पर होंगी। जी तो दोस्तों, आप सब दोस्तों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त रिज़ल्ट, ये मेरे वीवो 51S का रिज़ल्ट है। पहले जो आप देख रहे थे वो सैमसंग मोबाइल का था, ये इसका रिज़ल्ट है। आप सब दोस्त ये बताएं इसका रिज़ल्ट कैसा लग रहा है आप सब दोस्तों को? अभी तक मैंने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, ओरिजिनल कैमरा लगाया हुआ है ये इसका। और उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है। शुक्रिया दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।